हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 का रिवीजन किया था क्लास सेकंड का। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है एन ईमेल फ्रॉम ग्रैंडमा, एक ईमेल ग्रैंडमा की तरफ से। डियर राहुल, प्रिय राहुल, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? हाउ आर मम्मा एंड पापा, और तुम्हारे मम्मा और पापा कैसे हैं? इट इज रेनिंग हियर, यहाँ पर बारिश हो रही है। इट हैज बिकम वेरी कोल्ड, और यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। ग्रैंडमा, ग्रैंडपा इज वेल, ग्रैंडपा जो तुम्हारे दादाजी हैं वो ठीक है। वी थिंक ऑफ यू अ लॉट, हम तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई रिमेंबर व्हाट ए गुड टाइम वी हैड व्हेन यू कम हियर लास्ट, हमें वो समय बहुत याद आता है जब पिछली बार तुम यहाँ आए थे हमारे साथ रहने। आई हैव बिकम द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, मैं अपने स्कूल में उसकी जो राहुल की जो दादी होती है जिन्होंने उसको लेटर लिखा है, ईमेल भेजा है, वो उसको बता रही है कि वो अपने स्कूल में प्रिंसिपल बन गई है। पहले वो वहाँ टीचर थी और अब वो वहाँ की प्रिंसिपल बन चुकी है। आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, और वो राहुल को बताती है कि मैं यहाँ इस स्कूल में पिछले 25 ईयर्स मतलब पिछले 25 साल से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। आई लव माई स्कूल, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है, मैं अपने स्कूल से बहुत प्यार करती हूँ। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, कल यस्टरडे मतलब जो बीत गया वो वाला कल, मतलब कल मैं पार्क में गई थी, गार्डन में गई थी। आई वॉक इन द पार्क फॉर सम टाइम, और मैंने वहाँ कुछ समय के लिए वॉक किया। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, और जो बच्चे थे वो वहाँ झूलों पे खेल रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है सम चिल्ड्रन हैड ब्रॉट देयर पेट्स विद देम, और वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे कुछ झूलों के साथ खेल रहे थे और कुछ बच्चे अपने पेट्स को मतलब जो उनके पालतू जानवर थे उनको वहाँ लेकर आए थे। दे वर प्लेइंग विद देयर पेट्स, और वो उनके साथ खेल रहे थे। आई प्लेड विद ए पप्पी फॉर सम टाइम, और मैं वहाँ जब गार्डन गई थी तो मैं भी वहाँ एक छोटे से पप्पी के साथ बहुत देर थोड़ी देर तक खेली। इट हैड रेड रिबन अराउंड इट्स नेक एंड वॉज वेरी क्यूट, और उसके गले में जो है एक नेक मतलब गले में और एक रेड कलर का रिबन बंधा हुआ था, वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही प्यारा था। इट्स नेम वॉज स्टैन, उसका नाम था स्टैन। द पप्पी बिलोंग्स टू माई फ्रेंड्स जमुना, और ये पप्पी किसका था? मेरी एक फ्रेंड है जमुना, उसका था। आई विश यू वर हियर विथ मी, मैं आशा करती हूँ कि काश तुम भी मेरे साथ यहाँ होते। वी शैल गो टू द पार्क टुगेदर द नेक्स्ट टाइम यू विजिट अस, और जब अगली बार तुम यहाँ आओगे तो हम दोनों साथ साथ वहाँ पार्क में घूमने जाएंगे। हाउ इज स्कूल, हमारा स्कूल कैसा है? हैव यू मेड न्यू फ्रेंड्स, क्या उसकी दादी उसको पूछती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है और तुमने नए फ्रेंड्स बनाए हैं? व्हाट इज योर टीचर्स नेम, तुम्हारी टीचर का क्या नाम है? योर मदर ब्रॉट मी दैट यू रीड इन लॉट ऑफ बुक्स, तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया था, उसकी दादी उसको बोलती है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो। आई यूज टू लव फेरी टेल्स व्हेन आई वाज योर एज, उसकी दादी उसको बोलती है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम बहुत सारी किताबें पढ़ते हो, तो उस टाइम में जब मैं तुम्हारी जितनी छोटी थी तो मुझे फेरी टेल्स परियों की कहानी पढ़ना बहुत पसंद था। वॉट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, तुम किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करते हो? विच इज़ योर फेवरेट बुक, और तुम्हारी फेवरेट बुक, तुम्हारी मनपसंद की बुक कौन सी है? प्लीज़ राइट बैक टू मी सून, जब उसकी दादी ने ये सब क्वेश्चन उसको पूछे तो उसकी दादी उसे बोल रही है कि इस बारे में तुम मुझे वापस से एक ईमेल भेजना लिख करके कि तुम्हें क्या करना पसंद है और कौन सी बुक तुम्हारी फेवरेट है। आई वॉन्ट टू हियर हाउ यू आर डूइंग, मैं ये जानने के लिए उत्सुक रहूँगी उसकी दादी को, उसकी ईमेल का इंतजार रहेगा। गिव माई लव टू मम्मा एंड पापा, मेरा प्यार तुम्हारे मम्मा और पापा के लिए, विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार ग्रैंडमा।